बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। 2024 में देश की जनता क्या फैसला करेगी, यह अभी भी संशय में है। कोई दावे के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि उसकी स्थिति क्या होगी, लेकिन सभी अधिक से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि पिछली बार 303 सीटें लेकर के आए थे, इस बार 400 के पार होंगे, तो वहीं महागठबंधन एकजुट होने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार और उनकी टीम का कहना है कि बिहार की 40 सीटें जीतकर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे। यही आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में तीन धाराएं चल रही हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ 2024 की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 और 25 दोनों की तैयारी कर रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही है और 2025 में उन्होंने तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब इन्हीं लोगों को देखना है। लेकिन इस बीच में जो तीसरी धारा है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये धारा है प्रशांत किशोर की धारा। प्रशांत किशोर के साथ सामने से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे से उनको बैकअप करने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बिहार के कई बड़े दिग्गज नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो उनकी यात्रा चल रही है उस यात्रा का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो साफ कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क पर बैठता जा रहा है। इन सारी बातों के बाद और जो अब तक उनकी यात्रा हुई है उसके सर्वे के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कई बातें कही है। प्रशांत किशोर का कहना यह है कि जिस तरह से बिहार में अभी जो चल रहा है 32 सालों से चाचा भतीजा का राज, वो समाप्त होने वाला है। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कमान दिया है उसकी हैसियत क्या है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का उद्धार कर पाएंगे जो खुद ही एक जगह कभी टिक करके नहीं रहे। उनके पिताजी लालू प्रसाद के साथ, नीतीश कुमार के साथ और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी के साथ भी मंत्रिमंडल साझा करते रहे। ये वक्त के हिसाब से बदलने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को इस बार बिहार की जनता पसंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट 2024 से पहले 25 का आउट हो गया है और उन्होंने इस पर जो बातें कही है और किस तरह करवट बैठेगा 2025 वो भी स्पष्ट किया है। सुनिए क्या कहा है प्रशांत किशोर ने। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहां एमएलए एमपी बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहां राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहां खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5ों एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते, देखिए बिहार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।